आइए एक बार और ले जाइए बालाजी महाराज का आशीर्वाद और ये प्रसाद के रूप में दवाई, हो जाओगे आप लाइलाज। कुछ लोग कहते जाना कि जी बैद जी पैसे ले हुए जी, लेकिन लोगों ने खुलासा किया है पित्त की थैली में पथरी है सर। कितने एमएम की थी सर? 7 और 8 MM की दो पथरी हैं सर। यहाँ जो आता वो निराश होके नहीं लौटता, यहाँ जो आशीर्वाद लेके जाता वो 100% ठीक होता है। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि बैद जी तो चोरी छुपे पैसा ले लेते हैं, दवाई का पैसा लेते हैं, बताते फ्री में। कोई पैसा नहीं लेते जी, फ्री दवाई देते हैं जी। सुना है तो यही सुना है कि भाई फ्री में समाज सेवा कर रहे हैं जी। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों में राज उड़कर राम राम। मैं फिलहाल मौजूद हूँ बरानी गांव, झज्जर जिला गांव है बरानी। यहाँ पहले भी कई वीडियो हमने शूट किए हैं, काफ़ी चर्चा में है रविंदर बैद जी और दवाई देते हैं फ्री में। आज जनता की ज़रूरत के मुताबिक फिर आना पड़ा, यहाँ काफ़ी लोगों के कॉल आए हैं और कमेंट भी, और दोबारा कुछ जानना चाहते हैं और नई क्या क्या अपडेट लेके आए हैं, क्या क्या और बीमारियों का इलाज करते हैं। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए यहाँ हमारे पीछे काफ़ी भीड़ का जमावड़ा लगा हुआ है, मैं कुछ बातचीत करना चाहूँगा। कई बार लोग मानते हैं कि भाई फ्री दवाई देते कि नहीं देते हैं, लेकिन जनता बताएगी वो फ्री में देते हैं या कुछ पैसा भी लेते हैं। तो मैं आपको जनता से, पेशेंटों से रूबरू कराता हूँ अभी। बहन जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप लोग कहाँ से आए बहन जी? दिल्ली से। दिल्ली से आप पहले भी आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम आए हैं। क्या सुना है बहन जी आपने, यहाँ दवाई बैद जी पैसा लेते हैं या फ्री में देते हैं? फ्री में। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं ना कि बैद जी यहाँ पैसा लेते हैं दवाई का? नहीं नहीं जी, हमने तो नहीं सुना जी। जी आपने नहीं सुना? नहीं जी जी। कुछ लोग और भी हमें जानना चाहूंगा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। आप लोग कहाँ से आए सर? मैं गुड़गांव से आया जी। आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं? पहली बार आया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, वीडियो देखी थी वैद्य की जी जी, उसमें यही देखा, दो तीन यूट्यूब पे दो तीन, फिर मैंने सर्च भी करी है तो हर वीडियो में यही आया कि भाई वैद्य फ्री सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं लेते किसी से। जो चर्चा कर रहे हैं जी वैद्य पैसा लेते हैं वो झूठ बोल रहे हैं फिर? तो झूठ ही होगा जी, हमने तो जो सुना है औरों से भी एक आध से सुना है तो यही सुना है कि भाई फ्री में समाज सेवा कर रहे हैं जी जी, जंगलों से जड़ी बूटियां लाते हैं और अपने तैयार करके और उसको समाज सेवा में देते हैं जी जी। लोगों को माता जी राम राम जी। राम राम बेटा। आप लोग कहाँ से आए हो? मैं बेटा दिल्ली था, नजफगढ़ था। नजफगढ़ से आए हो, यहाँ पहले ही आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो? पहली बार आई हूँ। पहली बार आई? हाँ। कैसा लगे आपने यहाँ आके? अच्छा लगे बेटा, देखो दवाई लेंगे है? ये इसमें वीडियो का कारण हमने देखा था। अच्छा अच्छा। तो फोन भी किया था मैंने सुबह, फिर इन एड्रेस बताया था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, फोन करके आए। राम राम जी। राम राम जी। आप लोग कहाँ से आए हो सर? समर गोपालपुर से। गोपालपुर दिल्ली से? रोहतक। रोहतक से। आप पहले भी आए या फर्स्ट टाइम आए जी? फर्स्ट में, दोबारा आए जी। दोबारा आए? हाँ जी। फिर आपने तो अनुभव होगा जी, आपने पहले भी पता होगा बैद जी पैसा लेते ही नहीं लेते हैं? ना, कोई पैसा नहीं लेते जी। कोई पैसा नहीं लेते? कोई पैसा नहीं। पक्की बात है ये? पक्की है जी। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि बैद जी तो चोरी छुपे पैसा ले लेते हैं, दवाई का पैसा लेते हैं, बताते फ्री में। कोई पैसा नहीं लेते जी, फ्री दवाई देते हैं जी। आप लोग कहाँ से आए हो? सर बापड़ोदा। बापड़ोदा। पहले भी आए फर्स्ट टाइम आए हो? पहले भी आई थी सर जी जी। किस बीमारी में आए बहन जी आप लोग? पित्त की थैली में पथरी है सर। कितने एमएम की थी सर? 7 और 8 MM की दो पथरी हैं सर। अच्छा, यहाँ दवाई ली, कितने दिन की दवाई ली आपने? 15 दिन के लिए सर। 15 कुछ आराम पड़ा अभी? हाँ सर। कितने एमएम की घट गई है वो? अब सर 15 दिन और गोली दवाई खा के उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाना है जी जी, अभी आराम महसूस कर रहे हैं। हाँ सर। ये पित्त की थैली का अभी जैसे बहन जी ने बताया पीछे वीडियो में कि काफ़ी जो फायदेमंद है, और जो है ये बहन जी ने बताया कि काफ़ी आराम महसूस कर रहे हैं वो भी पित्त की थैली के पेशेंट। अब मैं बहन जी को रूबरू कराता हूँ क्योंकि यहाँ कुछ पेशेंटों से पूछा है और बहन जी को मैं रूबरू कराऊँगा और जानना चाहूँगा। आज दोबारा से फिर आए हैं बैद जी के पास में। बहुत बढ़िया, बाबा के चरणों में अर्जी लगा लें। हाँ बिल्कुल लगाओ साहब। जी जी। बैद जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। राम राम। जय श्री राम। कुछ लोग कहते जाना कि जी बैद जी पैसे ले हुए जी, लेकिन लोगों ने खुलासा किया है कि बैद जी पैसा नहीं ले रहे। बाकी आपने तो सैकड़ों मरीजों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली, कोई तो ये बात कहो है जी जी। किसी को तो किसी से लिए होंगे तो कोई तो बताओगा आपको, आपने पता चला कहीं से, कहीं किसी ने बोला आपको जी जी। किसी मरीज ने बोला हो तो बताओ भाई, एक आदमी ने भी, एक मरीज ने बोला। बिल्कुल। अच्छा एक और जी जी,
जनता जानना चाहती है इसे भला करना है या फेमस होना है या पुण्य कमाना है, आपका मेन मोटिव क्या रहेगा इसमें? सब हमारा तो आपने पहले भी देखा, आप भी देख रहे हो, सेवा का कर्म है। हमने क्या नाम और क्या कर्म, वो उस चीज़ से मोह माया कर्म से हमें कोई मतलब ही नहीं, उन चीज़ों से तो हम दूर हैं। तो आप लोग हमें क्या दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम हाथ जोड़कर एक आदमी की सेवा, जो हमारे बालाजी महाराज के इस दरबार तक जो भी आता है उसकी सेवा प्रॉपर की जाती है और 100% उसको ठीक करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। इतनी सारी देसी दवा आपके पास में, ये देसी जड़ी बूटी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, क्या बताएं? 100% आयुर्वेदिक है, अपने जो जंगल की जड़ी बूटियां हैं उन्हीं से ये दवाइयां तैयार हो रही हैं और उन्हीं से लोग ठीक हो रहे हैं। और बैजी, आज एक पेशेंट को ठीक करने में काफ़ी पैसे की दवाई आती है और आप इतना पुण्य कमा रहे, इतनी सारी देसी दवाई मेहनत भी कर रहे हो, ये जो खर्चा होता है पेशेंट के ऊपर कैसे कर पाते हो जी आप लोग? जी हमारा एक सहयोग मतलब संयम संगठन जुड़ा हुआ है, मदद के लिए सैकड़ों आदमियों का संगठन है हमारा, वो रोज़ रोज़ बढ़ता जा रहा है, संगठन के मेंबर रोज़ रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। जो भी दान धर्म में विश्वास रखता है भाई, जो चाहता का हर एक आदमी अपने देश का स्वस्थ हो, अच्छा स्वस्थता के साथ जिए और उसमें वो मदद करना चाहते, बहुत लोग जुड़े हुए मेरे से और ये मदद संगठनों की वजह से ये काम हम मतलब रोज़ रोज़ बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हो रोज़ रोज़ मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अब भाई रोज़ पिछले ठीक हो रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, नए मरीज मेरे से रोज़ नए नए मरीज आ रहे हैं। तो वो यही कारण है कि पीछे वालों को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, फ्री की दवाई खा के उनको जो अच्छा परिणाम मिला उसकी वजह से लोग औरों में और मरीजों तक विश्वास बढ़ रहा है और मरीजों तक बात पूछ रही है, तो मरीज मेरे से आके और निःशुल्क दवाई लेके ठीक हो रहे हैं। और ये बाबा जी की आशीर्वाद है, बहन की कृपा से भंडारा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। दवा और दुआ दोनों बालाजी महाराज की कृपा से लोगों को मिल रही है। यहाँ जो आता वो निराश होके नहीं लौटता, यहाँ जो आशीर्वाद लेके जाता वो 100% ठीक होता है। जी बिल्कुल, आज जो मदद संगठन है उनके लिए आप लोग क्या बोलेंगे सर? सर उनका तय दिल से धन्यवाद कर रहे हैं हम, आप मीडिया के माध्यम से जो मदद संगठन हमसे जुड़े हुए हैं उनकी बदौलत ही ये इतना दो सालों से चला रहा है भंडारा, चल रोज पर दिन प्रतिदिन चल रहा है, नहीं तो इतना खर्चा अफोर्ड करना एक आदमी नहीं चला सकता। धर्म और कर्म के जो अपने धर्म से रिलेटेड अच्छा कर्म है वो और एक आदमी अकेला अफोर्ड नहीं कर पाता, धर्म का काम सभी का साझला होता, उसमें गाँव राम देश प्रदेश सबका सहयोग होता है, एक आदमी का सहयोग होता तभी वो चल पाता है। अकेला आदमी कोई भी नहीं, आप चला सकते ना, मैं चला सकता ना कोई और चला सकता, इसमें आप लोगों का सहयोग, अकेला पैसे से ही नहीं होता, आप तन मन धन से सहयोग कर सकते हो। दूसरा, आप वीडियो को शेयर करके हर एक आदमी, एक बीमार आदमी तक आपने ये वीडियो पहुंचा देते हो, ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग है जो आप लोग करते आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और इस वीडियो को इतनी ज़्यादा शेयर कर दो देश में विदेश में, कहीं भी कोई भी मरीज बैठा है वो इस बीमारियों जो 12 बीमारियों पर हम काम कर रहे हैं इससे बच ना पाए, ये बीमारी से तक ये बीमार तक ये वीडियो पहुंच जाए और बीमारी हम उसकी दूर कर दें। इसलिए हर एक आदमी को जितना भी आप शेयर कर सकते हो कर दो, इससे बड़ा पुण्य कर्म कोई भी नहीं है आपके लाइफ में। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से लोग यहाँ ठीक हो रहे हैं और इस कर्म में आपका भी सहयोग हो रहा है, आपने ये वीडियो शेयर कर दी। आज बालाजी महाराज की कृपा और बैद जी को, बाबा को और मदद संगठन है हमारी तरफ से सत सत नमन है, जो इतने आदमियों की दुआएं लेते हैं और इलाज करते हैं। आज अपनी काय से रोग हटाना मुश्किल हो जाता है लेकिन ये लाखों लोगों का इलाज करते हैं और ठीक करते हैं। बैद जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोग और जो मदद संगठन जुड़ रहे हैं उनके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? और बाबा के लिए जय श्री राम। इनके लिए ज़रूरी है अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और इसको ज्यादा शेयर करना ताकि हर आदमी जो है स्वस्थ हो। जी ये हम पीछे भी आपको
पित्त की थैली के ऊपर भी पहले ही बताया, ये रिपोर्टें कुछ लगी हुई है मरीजों की। आके एक महीने के अंदर हमने मतलब मिनिमम 6 mm और मैक्सिमम 8-10 mm तक हमने ये पित्त की थैली से ही पथरी निकाल दी, और हम इन 12 बीमारियों पे रूटीन से काम करते आ रहे हैं। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी और दे रहा हूँ, अखबारा से हमने आज एक बीमारी और प्लस कर दी, हमने इसको 13 कर दिया है। जी, उसमें क्या और कर दिया जी? उसमें हमने आज एक नजले के ऊपर सफल परीक्षण कर लिया है जी, और जिसका 100% अच्छा रिजल्ट आया है जी। आप लोगों को इसके लिए बधाई देते हम। बीपी हाई, बीपी लो, सिर दर्द बार बार होना, शुगर, पेट में गैस है, कब्ज है या बवासीर है, मोटापा, कितना भी मोटापा आपके शरीर में जी जी। और साइटिक का, गर्दन का दर्द जिसको सर्वाइकल बोलते हैं, उस पे हमने सफल परीक्षण था ही हमारा दवाइयों का जी जी। अब हम आज आपको एक और खुशखबरी, 13वीं बीमारी के लिए जी जी। आपको ये हमने आज इसमें फिर एक नई बीमारी ऐड कर दी है। नज़ला कितना भी पुराना हो, हमने ये 13वीं बीमारी आज आपको आपके लिए सेवा में समर्पित कर दी है। जिस भाई बहन को नज़ला है, कितना भी पुराना है, कभी से है, आइए एक बार और ले जाइए बालाजी महाराज का आशीर्वाद, और ये प्रसाद के रूप में दवाई, हो जाओगे आप लाइलाज जी जी। जय बालाजी महाराज की। आप लोग इसको जा शेयर करना, थोड़ा कहने को जा समझना, और जितना शेयर करेंगे हमारी जनता जो है स्वस्थ रहेगी। और बने रहो लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। जय बाबा की। जय श्री राम।